हेलो गाइस, आप ETS को कैसे लिख सकते हो स्टेप वाइज मैनर में आसानी से, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है NAD, उसके बाद इसके बाजू में आपको लिखना है FMN, देन इसके नीचे आपको लिखना है FAD, और उसके नीचे लिखना है आपको FAD। तो NAD, FMN, FAD, FAD, आप पोजीशन ऐसे रखो, चेंज मत करो। यहाँ पर आप H2 लिखोगे, NAD H2, यहाँ पर ये दोनों जो बीच में है वहाँ पर H2 और यहाँ पर भी H2। ओके, अभी ये जितने भी आप सब उनको बॉक्स में डाल दो। ओके, अब ये जितने भी H2 वाले मॉलिक्यूल है वो बिना H2 वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। ओके, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो वापस से इस पे अटैक करेगा। ओके, तो आपने इतना लिख लिया, उसके बाद आपको इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर लिखना है रेड और ऑक्स डॉट डॉट को, अब इसको बॉक्स में डाल दो। ओके, आप इसको फिर ऐसे और ऐसे यहाँ से एक स्टेप आएगा ऐसे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम ए। तो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम ए आपको ऐसे लिखना है, और तीनों को आप बॉक्स में डाल दो। ओके, तीनों को बॉक्स में डालने के बाद आप इसको ऐसे बना दो। ओके, अब आपने अपने तीनों को बॉक्स डाल लिया, तीनों के ऊपर एरो बना दिया। अब यहाँ से साइटोक्रोम ए से आप लिखो हाफ ऑक्सीजन, और यहाँ से जो है आप डायरेक्टली एक हाइड्रोजन लेके आ जाओ H2+ आयन। अब ये दोनों जो है वो कंबाइन होके बन जाएगा यहाँ पर वाटर। अब आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपने सब जगह इलेक्ट्रॉन डाल लिया। अभी तो अभी तीन जगह पे ATP प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ATP बन रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ATP बनेगा, एक छोड़ के यहाँ पर ATP फॉर्म होगा, और फिर वापस से एक छोड़ के यहाँ पर ATP फॉर्म होगा। तो ये जो ATP फॉर्म हो रहा है वो ADP से फॉर्म हो रहा है, तो आप ADP लिख दो, यहाँ पर भी ADP लिख दो और यहाँ पर भी ADP लिख दो। तो ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, जो सीक्वेंस में मैंने बनाया उस सीक्वेंस में आप बना लो, आपका ETS भी पक्का हो जाएगा। थैंक यू।